अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैंने कल एक इंस्टा स्टोरी पोस्ट करी थी, मैंने वहां पे डाला था कि मैं 21 डेज में 21 वीडियोस रेगुलरली करने वाला हूं, क्योंकि पहली चीज मैं भी सेल्फ क्वारंटाइन हूं 21 डेज के लिए और साथ ही में आप भी हैं। प्लस एट द सेम टाइम टाइम को क्रिएटिवली यूज करना, उससे बेटर मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकता। कुत्ता पीछे से भौंक रहा है, आई एम रियली सॉरी नेबर्स। पर तो यहाँ पे इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है इंडोर फोटोग्राफी, थोड़ी सी क्रिएटिव होगी, प्लस एट द सेम टाइम इट विल बी समथिंग विच विल बी लाइक रियली रियली फन। और जिस फोटोज की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके की फोटोज की मैं बात कर रहा हूँ वो है ये और ये और ये और ये 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 ये, 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 ये। इतने अमेजिंग फोटोज आप ले पाएंगे यूजिंग दिस सिंगल टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूं क्या सेटअप होगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो मैंने आपको फोटोज अभी दिखाए हैं वो तो मैंने DSLR में लिए हैं, मेरे Nikon D800 में। प्लस इस वीडियो में हम लाइव ये भी चेक करने वाले हैं कि क्या हम इसी तरीके के अमेजिंग फोटोज अपने फोन को यूज करके भी ले सकते हैं सेम सेटअप के साथ में या नहीं। तो ये जो सेटअप है काफी बेसिक होगा, प्लस आप इजीली कर पाएंगे। तो ज्यादा डिटेल्स चेक करते हैं आगे। तो लेट मी जस्ट फर्स्ट टेल यू कि क्या क्या चीजें मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो पहली चीज ऑफ कोर्स दिस इज माय कैमरा जिसमें मैं फोटोज लेने वाला हूँ, जो कि है मेरा Nikon का D800। पता नहीं ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है। उसके अलावा मेरे पास में एक टॉवल जो मैंने डिकैथलॉन से लिया था, मतलब कोई भी टॉवल यूज कर सकते हैं। मैं ये यूज कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि पानी यूज होगा थोड़ा सा स्प्रे करने के लिए, तो इसलिए ये नीचे रखने के लिए काम आएगा ताकि गिरेगा नहीं। उसके बाद में मेरे पास में एक लाइट जो कि है ल्यूम क्यूब की लाइट। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये यूज़ करना है, आप कोई भी लाइट यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कैमरा का जो फ्लैश है, फ्लैश लाइट है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा एक बार। ये मैं एक सब्जेक्ट जो आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी नीडेड है, वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसी के साथ में ये मैं एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, मेरे क्या बोलते हैं इसको यार, इसके ऊपर मैं अपना सब्जेक्ट रखने वाला हूँ। मेरे जो सब्जेक्ट होंगे इसमें वो होगा ये बाइक जो मुझे आई थी किंडर जॉय के अंदर। तो अगर आप चाहें तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, मतलब ये दो सब्जेक्ट्स हैं। और उसके अलावा एक और लाइट जो मेरे पास में रखी है वो ये लाइट। अगर आप चाहें तो कुछ भी यूज़ ना करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने कैमरा की फ्लैश लाइट यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपने मोबाइल फ़ोन की। और अगर आपका मोबाइल फ़ोन का फ्लैश लाइट इनफ नहीं होता, दो मोबाइल फ़ोन की फ्लैश लाइट यूज़ करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो मेरा जो सेटअप है मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे LED जो पैनल है मेरा, मैंने वो यहाँ पे रखा। मेरा जो बेस है, प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मैंने बॉटल को रखा है, वो इसके ऊपर मैंने रख दिया है। पीछे मैंने यहाँ पे ये LED जो ये ल्यूम क्यूब है मैंने इसको यूज़ किया है। तो मैं इसके एग्जैक्टली पीछे रखने वाला हूँ वो क्यूब, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही में जो आपको यहाँ पे सेटअप दिख रहा है इधर कैमरा में, वो है ऐसा, ताकि जो बेस है यही मेरे पास में फ्रेम में इंक्लूड होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो एक बार बॉटल का जो प्लेसमेंट है वो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि भाई ये फ्रेम में प्रॉपरली इवनली आ रहा है या नहीं। वो आने के बाद में जो आपको करना है वो ये, पहला जिस कैमरा में, इस कैमरा में जिसमें मैं शूट करने वाला हूँ, इसमें मैंने अपना जो है इसको टाइमर पे डाला है 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड 5 सेकंड आप जैसा चाहें यूज़ कर सकते हैं, पर रीज़न ये है कि जैसे मैं यहाँ पे शटर को टैप करता हूँ मेरे पास में वो 2 या 5 सेकंड होने चाहिए ताकि मैं यहाँ पे स्प्रे मारूँगा इसके ऊपर। तो इस तरीके से आप फोटोज़ को खींच सकते हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स पा सकते हैं अगर आप अपना DSLR या मिररलेस कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो। पर अगर यहीं पे जैसा मैंने आपको बताया कि हम मोबाइल फ़ोन से भी ट्राई करेंगे इस तरीके के फ़ोटोज़ खींचने के लिए, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मोबाइल से फ़ोटो खींचें तो मैंने यहाँ पे 2 तरीके के सेटअप यूज़ करने की कोशिश करी। तो ये जो फ़ोटोज़ हैं ये मैंने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके मुझे मिले हैं, ये रिज़ल्ट काफ़ी अमेजिंग है। ये कुछ रिज़ल्ट है, अगर आप मेरा जो बेस्ट रिज़ल्ट है इस टेक्निक को यूज़ करके जो मैंने पाया है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मेन पोस्ट में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा जो हैंडल है वो अखिल खत्री, जाइए जाके चेक कीजिए। अगर आपको प्रोफाइल पसंद आता है तो प्लीज़ फॉलो दैट एज वेल। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगती है, अगर आप यूज़ करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपने जो फोटोज़ हैं उनको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या इंस्टा स्टोरी में अगर आप अपलोड करें, मतलब करिए, मेरा सजेशन रहेगा, और करें उसके बाद में मुझे टैग करें। आई वुड लव टू सी कि आप क्या क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास में और कुछ भी सजेशन होते हैं, कोई नई टेक्निक होती है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो कल। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिएगा। Be responsible. Let's fight with corona together. Take care.